हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेटिग्राफी। स्टेटिग्राफी वैसे तो जियोलॉजी की एक ब्रांच है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटिग्राफी की अगर बात करें तो स्टेटिग्राफी इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पेट्रोलॉजी के अलावा एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें यूजुअली उन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आइए शुरू करें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो बाय द डेफिनेशन जो स्ट्रेटिग्राफी है, जियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रेटा और सेडिमेंट्री बेड्स की स्टडी करते हैं। स्ट्रेटिग्राफी को हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और इस ब्रांच के अंतर्गत हम स्ट्रेटिग्राफी जो स्ट्रेटा है, जो अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं स्ट्रेटा, उनके अक्रेंस का टाइम, उनके डिस्ट्रक्शन का टाइम, और जो स्ट्रेटा में पाए जाने वाले जितने भी फॉसिल्स वगैरह हैं, इन सब की स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेटिग्राफी है वो एक ऐसी साइंस है जिससे हम अर्थ की हिस्ट्री का पता लगाते हैं। दूसरे शब्दों में जो हिस्टोरिकल जियोलॉजी है उसको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अर्थ पे होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनकी एक रिकॉर्ड हिस्ट्री कहा जाता है, और इस हिस्ट्री को हम स्टेटिग्राफी में स्टडी करते हैं। स्टेटिग्राफी अगर शब्द की बात करें तो स्टेटिग्राफी में स्ट्रेटा का मतलब है लेयर, और जो ग्राफी होती है ये तो बेसिकली सभी को पता है, इसका मतलब होता है स्टडी, एक सिस्टमेटिक स्टडी। तो यहाँ पर स्ट्रेटा का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स, और यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका मतलब है सेडिमेंट्री बेड्स। जी हाँ, ये जो स्टेटिग्राफी है ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं उनकी जो एक डिटेल स्टडी होती है उसको भी स्टेटिग्राफी में ही कंसिडर किया जाता है। और ये जो लेयर्स हैं ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती हैं अर्थ पर हुए इवेंट्स की। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि अर्थ पर जितने भी जीव और जो एनिमल्स हैं और जो इवेंट्स हुए हैं वो कब अर्थ के ऊपर थे, कब उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, कब वो यहाँ से विलुप्त हुए, और उस समय जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, इन सब की जो हिस्ट्री है वो डिटेल फॉर्म में जो स्टेटिग्राफी है उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और बाद में जो डिफरेंट मेथड्स हैं स्टेटिग्राफी की पता लगाने की, जो कार्बन डेटिंग वगैरह और जो दूसरी एज कैलकुलेशन वाली जो मेथड हैं उनके सहायता से हम इन सब की जो एज है उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन विद स्टेटिग्राफी के बाद में अब आइए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी को अगर समझा जाए तो ब्रॉडली इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी जैसा कि हमें पता है लिथो मतलब, यहाँ पे लिथो का मतलब होता है रॉक और लॉजी का मतलब उसकी स्टडी। तो जो रॉक्स हैं उसकी स्टडी करना जो लिथोलॉजी है, जो कि अर्थ सरफेस का सबसे ऊपरी हिस्सा है जो कि रॉक से मिलकर बना हुआ है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और इस लिथोस्फेयर की जो डिटेल स्टडी है उसको हम लिथोलॉजी के अंतर्गत समझते हैं। तो यहाँ स्टेटिग्राफी में जो लिथोलॉजी है, यहाँ पर लिथोलॉजी स्टेटिग्राफी में जो लिथोलॉजी है उसका मतलब है जो बेड्स हमको मिल रही हैं उनके सीक्वेंस का, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी स्टडी करना। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर बात करें तो जो ओल्डर बेड हैं वो कंपैरेटिवली नीचे की तरफ होती हैं और जो यंगर बेड हैं वो कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ होती हैं। तो इस तरीके से इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस पाया जाता है। लिथोलॉजी के बाद में जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेटिग्राफी का उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन जैसा कि हमने लिथोलॉजी में आपको बताया कि जो यंगर रॉक है वो ऊपर की तरफ मिलेगी और जो ओल्डर रॉक है वो नीचे की तरफ मिलेगी, इसी तरीके से जो ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन है वो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है, फर्दर एनहांस करता है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ओल्डर बैट हैं वो नीचे की तरफ पाई जाती हैं और जो यंगर बैट है वो ऊपर की तरफ पाई जाएंगी। तो इसी तरीके से जो ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन है ये भी स्टेटिग्राफी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो ओल्डर रॉक हैं उनमें कंपैरेटिवली जो ओल्डर इवेंट हैं उनका रिकॉर्ड आपको मिलेगा, और जो यंगर रॉक हैं उनमें कंपैरेटिवली आपको यंगर जो इवेंट हुए हैं या फिर जो अभी अभी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं उनके आपको इसमें रिकॉर्ड मिलेंगे। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है स्टेटिग्राफी में। स्टेटिग्राफी के प्रिंसिपल में जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है फॉसिल कंटेंट। फॉसिल कंटेंट
सबसे पहले तो फॉसिल कंटेंट को समझने के लिए हमें फॉसिल के बारे में समझना होगा कि फॉसिल्स होते क्या हैं। फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है और जीवाश्म अर्थ की हिस्ट्री में किसी एक स्पेसिफिक टाइम में किसी जीव या उसके कुछ स्पेसिफिक अंगों का प्रिजर्व हो जाना, उसके कुछ रेमिनेंट पार्ट्स का प्रिजर्व हो जाना बाय द नेचुरल प्रोसेस, और उन अंगों का बाद में एज ए रेमिनेंट फॉसिल्स के रूप फॉर्म में मिलना ही फॉसिल कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिभाषा के हिसाब से जीवाश्म किसी भी एनिमल या किसी वनस्पति के वो हिस्से होते हैं जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व हो जाते हैं और दब जाते हैं। तो इस तरीके से जो नेचुरल प्रोसेस से प्रिजर्वेशन होता है उसको हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं, जो कि स्टेटिग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी में आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका जो अगला लेक्चर होगा वो रहेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर। आई होप गाइस कि ये जो छोटा सा लेक्चर है इंट्रोडक्शन विद स्टेटिग्राफी आपको समझ में आया होगा, और आज आपने स्टेटिग्राफी के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रूर समझे होंगे। यहाँ पे हम अपने अगले लेक्चर में आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल और फर्दर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो किस एरा में कितने हुए हैं, जो अर्थ की एज है कि कैसे अर्थ की हिस्ट्री में जो डिफरेंट इवेंट्स थे वो आए और कौन कौन से एनिमल शुरू में रहे यहाँ पे। हम अपने अगली वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।